जिस तरह का प्रेशर डाला है उन्होंने, जिस तरह अब ये सोचे ना काफ, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, अब जब सारी नून लीग काफ लीग में चली गई थी तो वो हमारे सामने हुआ था, इनके ऊपर 1% भी प्रेशर नहीं पड़ा जो कि इन्होंने हमारे लोगों पर डाला। 1% सिर्फ एक कॉल गई थी एक मेजर की किसी की, बल्कि कॉल से पहले सारे चले गए थे, मतलब यहाँ तो पकड़ के बिजनेसेस बंद कर दिए हैं, लोगों के घरों में तोड़े हैं, लूटे हैं लोगों के घर, रिश्तेदारों के घर पहुंच गए, फिर बीवी बच्चों के पर पहुंच गए। इस तरह कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी से नहीं। तो आज अगर हम ये ना मदद करते हैं, IMF को कहते हैं कि हम हिमायत करते हैं, तो डिफॉल्ट कर गया था पाकिस्तान। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो महंगाई है ये इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी, मतलब ये है कि पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चले जाना, तो ये तो आम गरीब ने तो वैसे और कुछ ले जाना था, इनके तो पैसे बाहर पड़े, इनको तो फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा मुल्क को बचाने के लिए हम IMF का हमने वो किया, और वो हमने किया तब तक जब तक नई गवर्नमेंट आती इलेक्शन। वो तो सिर्फ सारी दुनिया में लोग निकले सिवाय पाकिस्तान, हमने इसलिए फैसला किया, हालांकि हमारे सारे वर्कर्स पकड़े हुए हैं, लोग अंदर डाले हुए हैं, जो बाहर निकलता उसको पकड़ लेते हैं, लीडरशिप अंडरग्राउंड है, लेकिन यहाँ कोई एहतजाज ही नहीं था। तो इसलिए हमने बताने के लिए कि पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बना था, और पुरमन एहतजाज से एक मैसेज दी, जो सारे जो लोग पकड़ते हैं उन सारों को कहते हैं कि जी क्या इमरान खान ने कहा था कि जाके जला दो वादा का, ये जो पकड़े हुए लोग इनका सिर्फ ये कि काम है, क्योंकि उनके पास ना कोई सबूत है ना कोई स्टेटमेंट है मेरी, बस ये वादा जवाब बनाने के लिए। रात तो कोई दबाव महसूस तो नहीं किया वहाँ रह के? और दूसरा ये भी बताइए कि कोई खास किस चीज़ मतलब सिक्योरिटी के हवाले से, और दूसरा ये भी बताएं कि मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई किसी खास शख्सियत से, लोगों ने किसी से नहीं। हाँ सर, जिन लोगों ने रब्ता किया है क्या उनके लिए अभी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में है या एक हार्ड लाइन है कि अब ये दोबारा वापस नहीं आएंगे आपकी तरफ से? देखिए एक चीज याद है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिस वो ये है कि जो हाकमियत है वो अल्लाह की है, और उसके बाद उसके चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक के चोजन रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये आपको किसी को राइट ही नहीं देता किसी को कहने इसके पर काटा लग गया इस पर नहीं लगा, ये तो अवाम की है, जो अवाम चूज करेंगे काटा वाम डालते हैं। लेकिन टिकट तो आप नहीं देना है ना, क्या ओपन है उनके लिए अभी भी फॉर्म? किन के लिए? आपकी जान से किन की बात छोड़ छोड़ कर चले गए क्या? देखिए वो केस टू केस बेसिस पे, क्वाड चोरी के बारे में क्या रहा है वो मैं किसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन केस टू केस बेसिस पे कई उनके ऊपर उन्होंने ऐसा प्रेशर डाला कि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर, यानी उन्होंने इस तरह की हरकतें की। चौधरी परवेज राय ने प्रेशर बड़ा बर्दाश्त किया, बहुत। मैं बल्कि चौधरी परवेज राय को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपको यकीन बताता हूँ कि मैं नहीं समझता था कि जिस तरह के प्रेशर में रखे वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपके वकला के ऊपर भी प्रेशर है? वकला के ऊपर डर रहे हैं, प्रेशर डाल थोड़ा थोड़ा डालते हैं, कॉले आ जाती है उनको भी, कॉले भी आ जाती हैं, एक दो को उन्होंने बाहर भी भगा दिया, दो बाहर भी चले गए थे, प्रेशर डाला हुआ है उन्होंने, फैमिलीज पे डालते हैं। वकला क्या जजेस के ऊपर प्रेशर है? थैंक यू। आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल है, जितने लोग आपको छोड़ के गए हैं, जितने भी छोड़ के गए हैं, किसी एक ने आपसे छोड़ने के बाद रब्ता किया है, आखिरी सवाल, कोई नाम बता दें किस किस पर कहा गया है? अच्छा खान साहब, बनी गाल एक राज सारी है, आप कैसा महसूस कहा गया है?